नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों, जो रात हमने सारा सामान शिफ्ट कर दिया था, फाइनली हमारा सारा सामान यहाँ पर आ गया है। और रात हम बहुत ज्यादा थक चुके थे, तो मतलब सेट नहीं कर पाए, कुछ भी काम नहीं किया। 9 बज गए थे हमें सामान शिफ्ट करने में ही, और फिर हम थक गए थे तो रात सो गए थे। तो सुबह से भी हम 7 बजे से सभी लगे हुए हैं, और अभी तक देखिए सारा ऐसे ही फैला हुआ है। बस हमने जो बेड वगैरह जहाँ हमें लगाने हैं, मतलब कि ये मोटे मोटे सामान जहाँ पर रखने हैं वो ही रखे हैं, और जो मतलब जो अंदर रखने का सामान है सारा इसी तरीके से फैला हुआ है, और उसमें भी हम लगे हुए हैं। तो अब बच्चों के आज है पेपर दोनों के, ईशु गई है स्कूल और गुड्डू का चल रहा है क्योंकि इसका ऑनलाइन होता है, तो वो भी अपना कर रही है पेपर। तो चलो लग जाते हैं अपने काम पर। तो यहाँ मैं सबसे पहले लग गई हूँ किचन की सेटिंग करने में, क्योंकि जब तक किचन सेट नहीं होगी तो कुछ भी सामान मतलब अच्छे से सेट नहीं होगा। किचन सबसे पहले ही करनी पड़ती है, और यहाँ फटाफट से मैं लग गई हूँ सेट करने में। और अभी मैंने मतलब ज़्यादा साफ नहीं की है किचन को, क्योंकि मुझे किचन को अच्छे से मतलब उसका मेकओवर करना है इस वजह से। और यहाँ जो एक्स्ट्रा सामान था मैंने इसे उठवा दिया है इनसे, जहाँ इनके रखने की जगह है तो मैंने यहाँ पर रख दी, क्योंकि जो पहली किचन थी उसमें स्लेप नहीं था, तो सारा सामान इसके अंदर रखा हुआ था काउंटर के। तो अब मैंने ये किचन से निकलवा दिया, यहाँ पर स्लेप है, उस स्लेप के ऊपर रख दिए हैं सारे डब्बे मैंने। तो ये दोनों भाई भी मेरे साथ लगे हुए हैं काम करवाने में, क्योंकि सभी के करने से ही होता है। हम तीनों लगे हुए हैं, कन्हैया भी, इसके पापा भी और मैं भी। तो ये भी जो सामान मतलब दूसरे बर्तन में डालने का था, तो ये चीनी वगैरह डाल रहे हैं। ये कट्टे में रखी थी, ये जब से गांव से आए थे ऐसे ही रखी थी, तो यहाँ पर ये निकाल रहे हैं, इसको बाल्टी में डाल देंगे। और हम तीनों ही लगे हुए हैं अपने अपने काम पर, तो इसी तरीके से मिलजुल कर ही सारे काम करेंगे सब। और ये कन्हैया ने रख दी है बाल्टी अंदर दोनों चीनी की, और चीनी नहीं है ये खांड है। जब हम गांव में गए थे तो खांड बनवा कर लाए थे, इस वजह से ये ऐसे ही रखी थी, मतलब हमने बर्तन में नहीं डाली थी। खांड है ये, वहाँ पर क्लेसर है गांव में, तो वहाँ पर खांड बनवा कर लाए थे हम, क्योंकि कहते हैं कि चीनी नुकसान देती है, खांड नहीं देती, इस वजह से। तो यहाँ फिर मैं लग गई हूँ या ये डब्बे अच्छी तरीके से सेट करने के लिए, क्योंकि नीचे से मेरा हाथ नहीं जा रहा था ऊपर, तो ये डब्बे वगैरह मैंने सेट कर दिए। अब मैं कर रही हूँ बर्तन, बर्तनों की ये रैक अभी मेरी साइड में जहाँ दीवार पर नहीं लगी, क्योंकि यहाँ ड्रिल मशीन नहीं थी इस वजह से। तो अभी मैंने ये रैक स्लेप पर ही रख दी है, और इसमें सारे बर्तन लगा दूंगी। जो बड़े बर्तन हैं वो अभी मैं नीचे टोकरे में रख दूंगी, और छोटे छोटे रैक में लगा दूंगी। स्टार्टिंग में तो इसी तरीके से सेटिंग करनी पड़ती है थोड़ी थोड़ी, बाद में जैसे टाइम निकलता जाएगा 8-10 दिन बाद, तो इसी तरीके से थोड़ी थोड़ी सेटिंग हम आगे करते जाएंगे। अभी तो जैसे स्टार्टिंग में थोड़ा सा जैसे भी हमें लगता है सेट करना, तो हम इसी हिसाब से करते हैं। बाकी जो मतलब फाइनल सेटिंग होगी वो तो उसमें टाइम ही लगता है, 1 हफ्ता तो लगभग लग ही जाएगा। अभी ये सोचते हैं कि सामान कौन सा कहाँ रखें इस वजह से, तो वो अभी नहीं है बिल्कुल फाइनल, तो उसको मैं बाद में करूँगी। अभी तो यह जैसे भी मुझे लग रहा है कि यहाँ रख दूँ, तो मैंने ऐसे ही रख दिया। और यहाँ गुड्डू भी अपनी अलमारी में लग गई है, वो बुक्स वगैरह लगा रही है अपनी, दोनों बहनों की, अपनी भी और ईशु की भी। उसने भी अपनी अलमीरा सेट कर दी है बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि बच्चे इतना ही कर सकते हैं, जैसे बुक वगैरह अपनी रखनी, तो उसने अपनी बुकों को संभाल कर रख लिया। और यहाँ मैं बेड में भी रख रही हूँ कपड़े और पहनने के भी। अभी तक जो सर्दियों के कपड़े थे वो मैंने नहीं रखे थे उठाकर, और गर्मियों के नहीं निकाले थे, क्योंकि मुझे पता था कि हमें शिफ्ट करना है, इस वजह से कि जब ही करूँगी सारा काम। तो यहाँ मैं लगी हुई हूँ कपड़े
छांट भी रही हूँ कि कौन से बाहर रखने हैं, और जो मतलब ना पहनने के कपड़े हैं सर्दी वगैरह के वो मैंने रख दिए हैं बेड में, और बाकी रख दिए हैं मैंने जो रोज़ पहनने के अलमीरा में। तो यहाँ मैं लगा रही हूँ कपड़े सारे। कपड़े मैंने सारे लगा दिए हैं बेड में। अब रह गए हैं बिस्तरे, जो बिस्तरे वगैरह हैं वो मैं बाहर, ये जो दीवान मैंने डाला है बिस्तरे मैं इसमें रख दूंगी, क्योंकि ये गर्म बिस्तरे भी अभी तक मैंने नहीं रखे थे रजाई वगैरह, तो ये सारे मैंने बाहर वाले बेड में लगा दिए हैं दीवान में। तो ये भी अच्छी तरीके से सेट करके रख दूंगी पूरे, मतलब सारे कपड़े। तो यहाँ मेरी जो बेड की सेटिंग है इस वाले की भी हो गई है, और अब मैंने इनके ऊपर गद्दे वगैरह भी लगा दिए हैं, और अब मैं लगाऊंगी झाड़ू। झाड़ू मैंने एक बार पहले लगा दिया है, अब दोबारा लगा रही हूँ, क्योंकि डस्ट काफ़ी आ रहा है सफाई करने के बाद, सारा सामान निकला पड़ा है इस वजह से। तो यहाँ मैं झाड़ू लगा देती हूँ सब पूरे घर में। ये देखें दोबारा फिर कितना सारा कूड़ा निकल गया इसमें से, एक बार मैंने पहले झाड़ू लगा दी थी, ये फिर दोबारा लगाई है घर सेट करने के बाद, तो देखिए काफ़ी सारा कूड़ा हो गया है। बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, और थक तो इतनी गई थी मैं, इतनी गई थी कि हालत बिल्कुल ख़राब हो गई थी। ये एक तो टैबलेट मैंने सुबह 10-11 बजे ले ली थी, क्योंकि मेरे से बिल्कुल भी नहीं चला जा रहा था, और एक ली थी फिर शाम के टाइम। तो यहाँ मेरी सेटिंग हो गई है, और अब मैं बेड शीट डाल दूंगी बेड के ऊपर, क्योंकि लेटने के लिए सभी परेशान हैं, सब थके हुए हैं, और बैठने की कहीं जगह नहीं मिल रही क्योंकि सेटिंग नहीं हुई थी इस वजह से। तो मैंने बेड दोनों क्या तीनों ही बेड फटाफट से सेट कर दिए हैं। दूसरे कमरे में भी आ गई हूँ मैं, और यहाँ भी मैंने बेडशीट बिछा दी है। तो लगभग मेरी पूरे घर की सेटिंग हो गई, और हालत हो गई है बिल्कुल खस्ता। पूरा दिन हो गया और शाम हो गई है मुझे इसी काम में लगे लगे, सुबह 7 बजे से, तो मतलब बिल्कुल ख़राब हो गई हालत। तो दोस्तों आज का जो सेटिंग रूटीन था वो मेरा हो गया है, जितना भी मेरे से हुआ है, बहुत ज़्यादा तो नहीं हुआ क्योंकि अभी 2-3 दिन लग जाएंगे धीरे धीरे सेटिंग करने में, और शाम के बज गए हैं 7:30। ये देखिए आप, सुबह 7 बजे से हम लगे हुए हैं और अब 7:30 बज गए। अब देख लो मेरी हालत, आप देख कर ही बता सकते हैं कि क्या हालत हो रही, और टांगों में तो इतना दर्द है कि बहुत ही ज़्यादा। और यहाँ देखिए मैंने रूम सारे कर दिए हैं, जितने भी मुझे मेरे से हुए हैं मैं दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए ये वाला रूम भी मैंने सेट कर दिया, अभी पूरा तो नहीं हुआ, थोड़ा सा रहता है ये वाला सामान, तो कल कर दूंगी। बेड वगैरह में जो सामान रखना था वो हो गया है,
और यहाँ इसके पापा भी अभी अभी लगे हैं काम पर। ये भी सुबह से ऐसे ही लगे हुए थे, सुबह से क्या 2 दिन हो गए, आज तीसरा दिन है, ऐसे ही चला गया हमारा। और दूसरा रूम भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये अभी करा था मैंने बाहर, ये फिर बच्चों ने ऐसे ही कर दिया। ये बेटा चादर कैसी कर दी सारी फिर से। और ये दूसरा रूम है, ये भी मैंने कर दिया। यहाँ गुड्डू लगी हुई है मोबाइल देखने में। और ये है किचन। किचन अभी मैंने टेम्परेरी की है क्योंकि मुझे किचन का पूरा मेकओवर करना है और उसमें टाइम लगेगा। अभी तो मैंने जितना भी मेरे से हुआ है यही कर दिया, थोड़े से सेट कर दिया कि जिससे काम चल जाए। तो ये हमारा काम हो गया है, जितना काम चला हो गया बस। चलो कोई नहीं, धीरे धीरे करते रहेंगे। दोस्तों, जो मेरा आज का रूटीन था वह मैंने आपके साथ सारा शेयर कर दिया। और अब शाम के 7:30 बज गए, अब मैं खाना बनाऊंगी। तो अब मैं वीडियो का एंड करती हूँ यहीं पर। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं एक और नई अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।